बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, बात करते हैं वो मुल्क जहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं, मगर क्यों? आपको इस वीडियो में बताएंगे। चैनल टीच वीज़ा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल टीच वीज़ा को आप सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी सवाल है आपका तो आप वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानते हैं इस वीडियो में कि आप किस तरह ये जो नॉन एंट्री कंट्रीज हैं जहां में आप बगैर इजाज़त के नहीं जा सकते, आपको स्पेशल गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी होगी स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, तो इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। जी तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो कंट्री है जहाँ पर आप अगर पाकिस्तानी सिटीजन हैं या फिर और कंट्री के सिटीजन हैं तो आप इस कंट्री में नहीं जा सकते, आपको स्पेशल गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी होगी। इसका वीज़ा लेना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यूं कहें कि नामुमकिन है तो कहना गलत नहीं होगा। पहले नंबर पर जो कंट्री है वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट से भी कुछ वीडियोस देखी होंगी कि नॉर्थ कोरिया में काफ़ी ज़्यादा जो कानून है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। वहाँ पर एंट्री इतनी आसानी से नहीं मिलती। एयरपोर्ट के ऊपर आपसे काफ़ी ज़्यादा जो फॉर्म है वो फिलअप करवाए जाते हैं, आपका फ़ोन रख लिया जाता है। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पर कानून हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए। तो तीसरे नंबर पर जो कंट्री है जहां पर आप बगैर इजाज़त के नहीं जा सकते वो है नॉर्थ कोरिया। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं जहां पर पाकिस्तानी जो सिटीजन है वो स्पेशली नहीं जा सकते, और पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर भी लिखा है कि इस कंट्री के अलावा आप दुनिया की हर कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं इस पासपोर्ट के ऊपर। आई थिंक आप उस कंट्री के बारे में जानते होंगे, वो कंट्री है इसराइल। इसराइल में अगर कोई भी पाकिस्तानी जाना चाहता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत होगी, और आपको अगर परमिशन मिल भी जाती है तो भी ये कंफर्म नहीं है कि इसराइल की गवर्नमेंट आपको इजाज़त दे। मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे पाकिस्तानी सिटीजन हैं जो पाकिस्तान में पैदा होकर यूरोप जाकर यूरोप का पासपोर्ट ले लिया है उन्होंने, उनको भी इसराइल की गवर्नमेंट एयरपोर्ट के ऊपर एंट्री नहीं देती, बाज़ुकात डिपोर्ट किया जाता है। रिसेंटली ही एक वाकया पेश आया है, हमारा एक दोस्त है जो कि जर्मन सिटीजन है, जर्मनी का पासपोर्ट है उसके पास, उसको भी उन दोस्तों ने एंट्री नहीं लेने दी, सिर्फ इस वजह से कि उसके पासपोर्ट के ऊपर जो बर्थ प्लेस थी वो पाकिस्तान बताई जा रही थी। सिर्फ इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानी सिटीजन को जर्मन सिटीजन को एंट्री नहीं दी। पहले नंबर पर जो कंट्री है, आप इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे कि अगर पाकिस्तानी सिटीज़न या कोई भी मुस्लिम सिटीज़न अगर इस कंट्री में जाता है तो भी बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस है कि आपको इस कंट्री में एंट्री मिले, या कोई भी पाकिस्तानी वहां पर आसानी से एंट्री ले सकते। बहुत ही ज़्यादा एयरपोर्ट के ऊपर चेकिंग होती है, बहुत ही सख्त इमिग्रेशन होती है पाकिस्तानियों की और मुस्लिम की। वो कंट्री है जॉर्जिया। आप काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे इस कंट्री के बारे में सुनकर के जॉर्जिया तो आप आसानी से जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जॉर्जिया के एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो इमिग्रेशन है वो सख्त होती है। और आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी हैं जिनके पासपोर्ट के ऊपर अमेरिका कैनेडा का वीज़ा लगा हुआ था, तब भी उनको जॉर्जियन गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी। तो ये थे वो कंट्री जहां पर आप इनकी गवर्नमेंट के बगैर, गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर एंट्री नहीं ले सकते। ये थी आज की वीडियो। इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आगे शेयर करें। चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।